हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स पर। किनेसियोलॉजी यानी शरीर पेशीय विज्ञान या गति विज्ञान एंड बायोमैकेनिक्स यानी जैव यांत्रिक विज्ञान। ये टॉपिक ऐसा है कि इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। जैसा कि बिहार या स्टेट में आप देखे थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स से था। तो इस टॉपिक को पूरा क्लियर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपका बीपीएससी ईएमआरएस दोनों के लिए आपके पास टाइम नहीं है और ये सारे वीडियोज केवल बीपीएससी ईएमआरएस के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे दो दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। और सभी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, कोई आपसे एक रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो फ्री में इतना करने वाला कोई नहीं है आपके लिए, बट मैं कर रही हूँ। तो आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। और थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सभी टॉपिक का डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बना हुआ है। एंड दोस्तों, आप अपने सिर्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं किनेसियोलॉजी, यानी इसे हम पेशी विज्ञान भी कहते हैं। किनेसियोलॉजी यानी कि शरीर की गति का अध्ययन किया जाता है। किनेसियोलॉजी मतलब गति का विज्ञान होता है। जैव यांत्रिकी मतलब जीव द्वारा, बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है मैकेनिक्स मतलब भौतिकी, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन एक आया हुआ था बिहार या स्टेट में कि बायोमैकेनिक्स किसकी शाखा है, तो दोस्तों वो एक फिजिक्स की शाखा है, भौतिकी की शाखा है। तो जब बायोमैकेनिक्स, मैकेनिक्स शब्द जुड़ा हुआ है, यानी जीव यांत्रिकी यानी कि जीव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की गति के बारे में, जैव यांत्रिकी। तो यहां भी हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घूमने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द पॉम फॉरवर्ड और अपवर्ड कॉल्ड, यानी कि ऊपर की ओर हथेली को घूमने को, यानी कि जो आपका हथेली रहेगा आसमान की तरफ रहेगा, आप पीठ की तरफ लेटेंगे, आपका चेहरा ऊपर की ओर रहेगा, आसमान की ओर ताकेगा, इस पोजीशन को कहते हैं सुपाइनेशन। क्या कहते हैं? सुपाइनेशन। और इसका जस्ट उल्टा प्रोनेशन होता है। इसमें आप पेट के बल सोते हैं, आपका हथेली नीचे की ओर होता है, यानी नीचे की ओर घूमेंगे। इसमें आपका रेडियस अनला हार्डी ज्यादातर घूमता है, दूसरे पर याद रखिएगा। एंड जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती है, चार प्रकार की होती है बॉडी मूवमेंट्स। जैसे कि हमारी संध्या तीन प्रकार की होती है, चल, अचल, अर्धचल। और जो हमारी संध्या की गति होती है चार प्रकार की होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट एंड सरकमडक्शन। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के सभी पार्ट को जरूर देखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है, तो वह वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है, ठीक है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। तय की गई दूरी उस सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है जिस पर वस्तु चलती है। यदि यह एक चिकनी सतह है तो घर्षण कम होगा, और यदि खुरदुरी सतह है तो घर्षण ज्यादा होगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड। तो स्थिर ताकत, स्थिर ताकत जिसमें न मांसपेशियां बड़ी होती है न छोटी होती है, गति होता दिखाई नहीं देता है, ये होता है आपका आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होता है? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। जैसा कि इसे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, इन तीनों के बारे में आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा।
तो दोस्तों जहाँ समस्त भार या वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति का समस्त भार कार्य करता है वही बिंदु गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। तो जहाँ वस्तु का भार अधिक होगा वहीं पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं, जो पृथ्वी होती है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने के दौरान लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है। What level of anxiety is required for high performance in sports? तो दोस्तों व्यग्रता यानी एंजाइटी की आवश्यकता होती है। बहुत ऊंचे स्तर पर आप एंजाइटी यानी चिंताग्रस्त रहेंगे तो आपकी प्रदर्शन क्षमता पर खराब असर पड़ेगा। ऊंचे स्तर पर भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्टिमल जो आपकी व्यग्रता होती है वो होती है ऑप्टिमल होनी चाहिए। कितना ऑप्टिमल यानी कि इष्टतम, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, यानी मिनिमम होना चाहिए। सुपर कंपनसेशन की स्थिति सिर्फ जैसे कि सुपर कंपनसेशन वाला स्थिति होना चाहिए, ज़्यादा न अधिक होना चाहिए और न तो कम, इसे हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं, इष्टतम स्तर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली को नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं। व्हाट इज टर्निंग द पाम डाउनवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड रहेगा तो सुपाइनेशन, डाउनवर्ड रहेगा तो आप क्या होगा हो जाएगा प्रोनेशन, याद रखिएगा। डाउनवर्ड रहेगा तो प्रोनेशन, पेट के बल नीचे लेटेंगे आपकी दृष्टि नीचे की तरफ जमीन की तरफ होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन निर्भर करता है, बैलेंस डिपेंड्स। तो दोस्तों जितना वस्तु का चौड़ा आधार रहेगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, जितना वस्तु का चौड़ा आधार रहेगा संतुलन उतना ही अच्छा होगा। और संतुलन के लिए क्या जरूरी है, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जितना नीचे रहेगा उतना ही संतुलन अच्छा रहेगा। जैसा कि आपको पता है जो महिलाओं का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है वह पुरुषों से नीचे होता है, इसलिए महिलाएं जो है संतुलन वाली क्रियाएं ज्यादा कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज्यादा प्रभावशाली होता है। विच लीवर इज मोर इफेक्टिव इन द गेम प्रोसेस। तो जो हमारा उत्तोलक होता है तीन प्रकार का होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय टाइप का। जो हमारा तीसरे प्रकार का उत्तोलक होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लीवर होता है तीन प्रकार का होता है, FAR मैंने ट्रिक बताया हुआ था, FAR यानी कि 312 लिख दीजिए। तो जिसके नीचे जो रहेगा वही उसका उत्तोलक कहेगा। जैसे कि एक के नीचे क्या है, एक, यानी ए से एक्सिस, यानी कि बीच में क्या है एक्सिस और अगल बगल क्या है फोर्स एंड रेसिस्टेंस, यानी इसमें तीन चीजें होती है, एक्सिस फोर्स एंड रेसिस्टेंस। एक्सिस मतलब आलंब होती है, रेसिस्टेंस मतलब भार, फोर्स मतलब बल। तो एक्सिस प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस जो होता है बीच में होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है और फोर्स एंड रेसिस्टेंस के बीच होता है एक्सिस, जिसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक को हम कहते हैं संतुलन का लीवर। एंड जैसे कि आर के नीचे क्या है, टू है, यानी आर मतलब रेसिस्टेंस, यानी दूसरे प्रकार के रेसिस्टेंस में बीच में आपका रेसिस्टेंस यानी भार होता है फोर्स और एक्सिस के बीच में। तो द्वितीय प्रकार के हम लीवर को बल का लीवर कहते हैं। एफ के नीचे क्या है, थ्री है, यानी कि तीसरे प्रकार के उत्तोलक में बीच में फोर्स होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के, ठीक है। तो ए आपका होता है, इसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको उत्तोलक के बारे में जानना है डिटेल में तीनों प्रकार के उत्तोलक के बारे में, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के, वहाँ भी सभी प्रकार के वीडियोज आपको मिल जाएंगे किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स रिलेटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच होता है। इन विच लेवल द फोर्स इज बिटवीन द सपोर्ट एंड लोड। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कौन सा उत्तोलक है जो आधार बल जो है बीच में होता है आधार और भार के, तो देखते हैं, ठीक है, एफ ए
आर 312। एफ के नीचे क्या है, ये फोर्स यानी बल की बात कर रहा है, तो बल किसमें होता है, बल फोर्स मतलब बल होता है, तो बल के नीचे क्या है थ्री, यानी कि बीच में किस फोर्स जो है बीच में किस प्रकार के उत्तोलक में है, तीसरे प्रकार के, ठीक है। तो तीसरे प्रकार के उत्तोलक में आपका बनता है एफ बीच में होता है एक्सिस और आर के बीच में, ये तीसरे प्रकार का उत्तोलक है। तो यहाँ पे बल आधार और भार के बीच में है, तो कौन सा प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तृतीय प्रकार का उत्तोलक में हमारे बॉडी में एग्जाम्पल है, जैसे कि ऐसे उदाहरण है नाव चलाना, बेलचे से मिट्टी उठाना। तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर कहते हैं। ऐसा हमारे बॉडी में जो है आर्म फ्लेक्शन, यानी कि आर्म को मोड़ना, आर्म फ्लेक्शन। इसमें हमारा जो एल्बो ज्वाइंट है एक्सिस का काम कर रहा है, रेडियल स्टिबोसिटी जो है फोर्स का काम कर रहा है, और फोर आर्म यानी अग्रहास जो है वो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस यानी भार का काम कर रहा है। एंड इसके अलावा थाई फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग कर्ल, घुटने का मोड़ना, हाथ को ऊपर को उठाना, एंड सीटअप। सीटअप में सीधा सीधा फोर्स जो है बीच में पड़ता है हमारे फेट पर, ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक का एग्जाम्पल है, ठीक है। आर्म फ्लेक्शन, आर्म फ्लेक्शन आपका तृतीय प्रकार का, और आर्म एक्सटेंशन बोलेगा घुटने का, कोहनी का विस्तार, तो आपका प्रथम प्रकार का हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल का गुण नहीं है। तो दोस्तों बल जो है बल की दिशा में होता है, एंड बल की रेखा होता है, बल संप्रयोग का बिंदु होता है, यहाँ पे बल का स्रोत जो है बल का गुण नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी इज स्टडीड अंडर। तो दोस्तों यह शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, स्ट्रक्चर की जहां भी बात करें तो वो आपका एनाटॉमी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मानव शरीर की संरचना का, तो एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, एनाटॉमी में मानव शरीर के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी जब भी आए तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करिएगा, एंड जब भी फिजियोलॉजी आए तो बॉडी अंग में जो भी चीजें हैं उनके फंक्शंस की बात कीजिएगा, ठीक है। जबकि किनेसियोलॉजी आए तो बॉडी की गति की बात कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमी आया है, एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी जो है बॉडी की स्ट्रक्चर का, उसके शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर की संरचना। एंड नेक्स्ट है, कोणीय चाल है, एंगुलर स्पीड इज, क्या है एंगुलर स्पीड। तो ये एंगुलर स्पीड जो होता है कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं। ये अक्सर दोस्तों खिलाड़ी या व्यक्ति जब चलता है, वॉकिंग करता है, तो चलते समय हाथों या पैरों में जो होने वाली गति होती है, क्रिया होती है, वो कोणीय गति होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तल यानी कि प्लेन शरीर को ऊपर और नीचे भागों में विभाजित करता है। विच आर द फॉलोइंग प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इंटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, अपर एंड लोअर पार्ट्स की बात कर रहा है, तो क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन होगा। क्या होगा, ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन। जैसे कि जो प्लेन होता है एक एक्सिस होता है, तीन एक्सिस होती हैं, तीन प्लेन होते हैं दोनों के, याद रखिएगा। प्लेन एंड एक्सिस के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होती है, गति होती है। जैसे कि एक्सिस क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा या बिंदु होती है जिसकी चारों ओर गति होती है। तल यानी प्लेन क्या होता है, वह सतह जो एक्सिस के लंबवत पाया जाता है जिससे शरीर में गति होती है। तो जो हमारा टाइप ऑफ प्लेन्स जो है यानी तल जो है तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल। सेजिटल को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, एंड फ्रंटल को क्रोनल या एंटीरियर या पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं,
एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है, जिसमें से सेजिटल प्लेन जो है बॉडी को दाएं बाएं भागों में बांटता है और जो मोमेंट होता है, गति होता है, आगे पीछे होता है, यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट जो होता है सेजिटल प्लेन में होता है। एंड दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो होता है बॉडी को आगे पीछे बांटता है और जो मोमेंट यानी गति होती है वो दाएं बाएं होती है, जैसे कि एब्डक्शन एडक्शन जो गति होती है फ्रंटल प्लेन में होती है। एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन या अनुप्रस्थ प्लेन भी कहा जाता है। एंड यह बॉडी को ऊपर नीचे बांटता है और सभी रोटेशन एंड एलिवेशन मोमेंट्स जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है और जिस बिंदु पर तीनों प्लेन यानी तल मिलते हैं उसे सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट या कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी से क्वेश्चन 4-5-6 क्वेश्चन केवल बिहार स्टेट में पूछा हुआ था तल और एक्सिस पर। एंड जैसे कि अब जो एक एक्सिस होता है वह एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके चारों ओर गति होती है, और जो एक्सिस होता है जिस अक्ष में एक फिक्स पॉइंट होता है उसे लीवर या उत्तोलक कहते हैं। एंड इसमें यूनिएक्सियल बाई एक्सियल मल्टी एक्सियल प्रकार की जो मोमेंट होती है। यूनिएक्सियल मतलब एक अक्ष में गति, जैसे हमारा एंकल ज्वाइंट हो गया, टखने का जोड़, एंड हमारा एल्बो का ज्वाइंट हो गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड बाई एक्सियल जो है दो एक्सिस में गति होता है, जैसे कि कलाई का जोड़, हमारा जो रिस्ट ज्वाइंट होता है ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करेगा। एंड मल्टी एक्सियल जो होता है गति, यानी कि एक दो से ज़्यादा अक्ष में गति होता है, जैसे हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट जो हमारा एक्सिस होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है, फ्रंटल एक्सिस जिसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, एंड सेजिटल एक्सिस जिसे हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं, एंड तीसरा वर्टिकल एक्सिस। तो जो हमारा एक्सिस होता है फ्रंटल एक्सिस, जस्ट आप उल्टा याद कर लीजिएगा, फ्रंटल एक्सिस रहेगा तो वो आपका सेजिटल प्लेन के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा और गति वही होगा जो आपका प्लेन में होगा। जैसे कि आपका अगर कहेगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट किस में होता है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट आपका सेजिटल प्लेन में होता है और सेजिटल प्लेन दाएं बाएं भागों में बांटता है, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेजिटल प्लेन में होगा तो किसके लंबवत है, फ्रंटल प्लेन के, फ्रंटल एक्सिस के। तो आप पूछेगा कि फ्रंटल फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है तो वहाँ पे सेजिटल प्लेन एंड फ्रंटल एक्सिस हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड जब पूछ और दूसरा होता है एक्सिस में सेजिटल एक्सिस, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहलाता है, यह फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है, गति फ्रंटल वाला भी होगा, जैसे फ्रंटल प्लेन में कौन सा गति होता है, फ्रंटल प्लेन सभी को आगे पीछे बांटता है और सभी जो है दाएं बाएं गति होती है, जैसे कि एब्डक्शन एडक्शन। तो जब एब्डक्शन एडक्शन गति पूछेगा तो वो फ्रंटल प्लेन होगा और सेजिटल एक्सिस होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड तीसरा होता है वर्टिकल एक्सिस, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पेशी गति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, Who is known as the father of पेशी, यहाँ पे किनेसियोलॉजी होगा, ठीक है। तो पेशी गति विज्ञान के जनक है दोस्तों अरस्तु यानी एरिस्टोटल, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तानन और अधोवर्तन गतियां होती हैं, उत्तानन और अधोवर्तन, यहाँ पे सुपाइनेशन प्रोनेशन की बात कर रहा है, उत्तानन अधोवर्तन ये गतियां होती हैं रेडियस अल्ना संधि में, किसमें होती है, रेडियो अल्ना संधि में, ठीक है, जहां पे उत्तानन अवतानन गतियां होती हैं रेडियस अल्ना हड्डी में, ठीक है। उत्तानन मतलब सुपाइनेशन, अवतानन मतलब प्रोनेशन, याद रखिएगा। सुपाइनेशन जो होता है मुंह ऊपर की तरफ करके लेटने की स्थिति, हथेली को ऊपर की तरफ मोड़ना होता है, एंड प्रोनेशन जो होता है मुंह को नीचे की करके लेटना होता है, हथेली
को नीचे की तरफ मोड़ना होता है। ये दोनों सुपाइनेशन प्रोनेशन है, उत्तानन अवतानन जो गतियां होती हैं, रेडियस अल्ना घूमती है, रोटेट करती है, यानी कि रेडियस अल्ना पर फिसलती है, स्लिप करती है, तब ये गति होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल तथा आलंब के बीच होता है? तो कौन बल तथा आलंब के बीच में होता है भार, ये कौन प्रकार का उत्तोलक होगा? ठीक है, इन विच टाइप ऑफ लीवर द लोड इज बिटवीन ऑफ फोर्स एंड फलक्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ए आर 312, दो आर के दो के ऊपर क्या है, आर है, आर मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब भार, तो भार बीच में रहेगा तो दूसरे प्रकार का उत्तोलक होगा, भार बीच में रहेगा तो दूसरे प्रकार का उत्तोलक होगा। ठीक है, भार बीच में रहेगा तो दूसरे प्रकार का उत्तोलक होगा, तो आपका राइट कौन हो जाएगा, टाइप टू। ठीक है, भार बीच में रहेगा तो दूसरे प्रकार का उत्तोलक, एक्सिस बीच में रहेगा तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फोर्स बीच में रहेगा तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप द्वारा अपनी प्रक्षेप वक्र की चोटी तक पहुंचने के लिए लगे समय को कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं एसेंट टाइम। क्या कहते हैं? एसेंट टाइम। ये प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, जैसे कि जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस आदि को इस कोण पर या इस एंगल पर फेंका जाए जो अधिकतम दूरी तय करे, इतना इसका ज्ञान हमें प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेपण के अंतर्गत प्राप्त होता है। यानी कि किसी वस्तु को यदि 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करती है। अक्सर आप जेवलिन थ्रो एंड शॉर्ट पुट ये सब आप 45 अंश की कोण पर फेंकते हैं, एंड दोस्तों 90 अंश की कोण पर फेंका जाए तो कोई भी दूरी तय नहीं करती, अर्थात प्रक्षेपण जो होता है वो शून्य होता है। और रेंज होता है क्या, यानी प्रक्षेपण में प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ से वस्तु लेकर के फेंक रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वस्तु लेकर के आप क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जो फेंकने की ये हुआ एक क्या हुआ, रेंज हुआ, क्या हुआ, रेंज हो गया। तो एंड एपेक्स टाइम यानी क्या होता है, एपेक्स या एसेंट टाइम, एपेक्स होता है जो फेंकी गई वस्तु अपने उच्चतम बिंदु पर होता है सर्वाधिक, एंड एसेंट टाइम होता है जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसके द्वारा जो समय लगता है उसे एसेंट टाइम कहते हैं। ये आपका एसेंट टाइम हुआ, ठीक है, एंड जब वही वस्तु नीचे की तरफ आती है यहाँ से, तो वो डिसेंट टाइम हो जाएगा। कौन सा टाइम, डिसेंट टाइम हो जाएगा, नीचे की तरफ आने में जितना समय लगेगा। एक होता है परास, परास क्या होता है, जब किसी वस्तु द्वारा फेंके जाने पर वस्तु, जब फेंकी गई वस्तु अपने अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तो यहाँ पे आपका सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगा, तो इसे हम कहते हैं परास। ठीक है, और ट्रेजेक्ट्री यानी कि ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, फेंकी गई वस्तु के उड़यन पथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तीन प्रकार का होता है, वर्टिकल, ऑब्लिक यानी पर वलयाकार, और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप सोचेंगे कि इतना टाइम लग रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही है, Which of the following is correct? इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या सही है, इसमें क्वेश्चन है उत्तोलक के बारे में, किसके बारे में है, जैसे कि सिर का झुकाना द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्या ये सही है, सिर का झुकाना द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों सिर का झुकाना द्वितीय प्रकार का नहीं है, सिर का झुकाना जो है
सिर का आगे व पीछे झुकाना ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, याद रखिए। इसलिए ए वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, ए वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक। एंड बी है पैरों की उंगलियों के बल पर शरीर का उठाना तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो दोस्तों नो, पैरों की उंगलियों पर शरीर को उठाना, यहाँ पे भार बीच में हो रहा है तो यहाँ पे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब देखते हैं सिंह कोहनी का आकुंचन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो दोस्तों हम अभी जस्ट बताए हैं जो कोहनी का आकुंचन यानी कि फ्लेक्शन होगा, कोहनी का फ्लेक्शन मोमेंट होगा, ठीक है, वो आपका होगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। अगर कोहनी का एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। अगर कोहनी का फ्लेक्शन होगा तो वो आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, यानी कि ए आपका सी वाला राइट है। सी वाला क्या है, राइट है। एंड डी देखते हैं, कोहनी विस्तार प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। जस्ट अभी जस्ट बताया मैंने, तो कोहनी विस्तार यानी कि एक्सटेंशन जो है वो फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक है, और कोहनी यानी कि एल्बो एक्सटेंशन यानी कोहनी विस्तार फर्स्ट प्रकार का उत्तोलक, और एल्बो फ्लेक्शन यानी कि कोहनी को मोड़ना आपका, आकुंचन करना तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी आपका राइट होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर मेरुदंड आकुंचन एवं विस्तार किया जाता है, और व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो दोस्तों फ्लेक्शन एक्सटेंशन यहाँ पे प्लेन एंड एक्सिस के बारे में दिया है। जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया, जो हमारा जो एक्सिस है प्लेन है, तीन प्रकार का होता है, सेजिटल फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल, सेजिटल फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो मैंने बताया था कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट जो है, जैसे कि वो किस में होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट, तो जैसे कि सेजिटल प्लेन जो होता है हमारे शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और गति आगे पीछे होती है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट जब भी रहेगा तो प्लेन क्या रहेगा, सेजिटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे सेजिटल प्लेन दिया हुआ है, ए में नहीं दिया है तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लेन आपका वर्टिकल प्लेन दिया है, ये भी कट जाएगा। कहीं भी सेजिटल प्लेन नहीं दिया हुआ है, डी में भी नहीं दिया है, कोरोनल प्लेन दिया है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में सेजिटल प्लेन दिया हुआ है, और जब सेजिटल प्लेन होगा तो उसका जस्ट होगा आपका एक्सिस, सेजिटल प्लेन होगा तो फ्रंटल एक्सिस होगा, ठीक है, सेजिटल प्लेन होगा तो फ्रंटल एक्सिस होगा, फ्रंटल को हम क्रोनल भी कहते हैं, तो क्रोनल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्रोनल एक्सिस एंड सेजिटल प्लेन। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाएगा आप उसका आंसर निकाल ही लेंगे। लेकिन आप ऊपर ऊपर से पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े ही नहीं है, समझे ही नहीं है, तो रटंतु विद्या यहाँ पे काम नहीं देगा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसके लिए अच्छा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग करके मैकेनिकल लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके मैकेनिकल लाभ प्राप्त किया जा सकता है, दोस्तों यहाँ पे आपका ये भी आपका लीवर यानी उत्तोलक से संबंधित वीडियो है, उत्तोलक से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रथम और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रथम और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हम मैकेनिकल लाभ ज्यादा प्राप्त करते हैं। एंड क्यों करते हैं, जैसा कि एफ ए आर जानते ही हैं इसको, ठीक है, 312 प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस बीच में, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रेसिस्टेंस बीच में, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स बीच में। ये आपका तो क्लियर ही है, ठीक है। और जो आपका प्रथम और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, इन दोनों प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, ठीक है।
प्रथम और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है सदैव एक से कम होता है, जबकि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, याद रखिएगा। इसलिए मैकेनिकल लाभ जो है प्रथम और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ज्यादा प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग में परिवर्तन कहलाता है। किसी दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी कंपेयर्ड टू टाइम इन ए रेसिंग कंपटीशन कॉल्ड। तो यहां भी आपका राइट हो जाएगा, दौड़ किसी दौड़ प्रतियोगिता में समय की तुलना में वेग परिवर्तन और अधिकतम गति प्राप्त करना जहां भी आए वहां पे आपका हमेशा होगा त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एक्सीलरेशन से दोस्तों, और इस बार भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा वेग परिवर्तन की दर जहां भी हुई वहां संवेग या त्वरण होगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोबिक एथलीट की तुलना में एरोबिक एथलीट का दिल कैसा होता है? तो दोस्तों, हाउ इज द हार्ट ऑफ एन एरोबिक एथलीट कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एन एनएरोबिक एथलीट। तो जो एरोबिक एथलीट का दिल होता है एनएरोबिक की तुलना में कैसा होता है कि सबसे ज्यादा हमारे हृदय का कौन सा भाग कार्य करता है? तो बायर निलय काम करता है। तो अथर जादी किस पे भरेगा? बायर निलय पर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल पर। तो आपका राइट हो जाएगा बायर निलय का बढ़ा हुआ कैविटी का आकार, बायर निलय का बढ़ा हुआ कैविटी का आकार यानी इंक्रीज कैविटी साइज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि एनारोबिक एथलीट की तुलना में एरोबिक एथलीट का दिल जो है जो बाएं नीले यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका बढ़ा हुआ कैविटी यानी कि आकार होता है। एरोबिक गतिविधियों के दौरान एथलीट अपनी बाहों, पैरों और कुल्हों में बड़ी मांसपेशियों को स्थानांतरित करता है। इसमें हमारा हार्ट रेट भी समय की नियंत्रण अवधि के लिए बढ़ जाती है। एरोबिक अभ्यास में आते हैं आपके जॉगिंग एंड फास्ट रनिंग, फास्ट वॉकिंग, स्विमिंग, एरोबिक डांसिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिल चलाना, अंडाकार प्रशिक्षण, रोइंग, ये सभी आपके एरोबिक में आते हैं। और एनएरोबिक जो होती है छोटे समय की अवधि यानी कम समय अवधि की होती है, कम से कम 45 सेकेंड से एक दो मिनट तक की जो क्रियाएं होती हैं वो एनएरोबिक होती हैं। इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होता है, जबकि एरोबिक में आपका एंड्योरेंस डेवलप यानी सहनशीलता डेवलप होता है। अनएरोबिक क्रियाओं में जैसे कि उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, भारी वजन उठाना एंड प्लायोमेट्रिक्स जंप, स्क्वाट या बॉक्स जंपर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो पानी के अंदर किसी वस्तु पर ऊपर का दबाव प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी पानी के अंदर आप क्या करते हैं, किसी खाली जग को या ग्लास को डालिए, क्या होता है वो उस वस्तु को ऊपर की तरफ सीधी फेंक देता है। तो जब पानी के अंदर किसी वस्तु पर ऊपर का दबाव नीचे से धक्का दिया जाता है पानी के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं कौन सा बल कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल यानी बायंट फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, यानी कि वह बल जो पानी के अंदर किसी वस्तु पर ऊपर की ओर दबाव प्रदान करती है इसे उत्प्लावन बल या बायंट फोर्स कहते हैं। यानी कि द्रव का वह गुण या पानी का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उससे उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे हम उत्प्लावक केंद्र या सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। तो अगर क्वेश्चन आएगा उत्प्लावन बल का खोज किसने किया था, प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो आर्किमिडीज ने किया था। इस बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार या मान पर निर्भर करता है। अर्थात कोई वस्तु जितना अधिक तरल को हटाती है
उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावक बल का मान उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि एक छोटे गुब्बारे को आप अपने हाथों से बल लगाकर डुबा सकते हैं, लेकिन बड़े गुब्बारे को गुब्बारे पर बैठकर आप कितनी भी दूर तैर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम हाथ और कलाई के साथ एक सर्कल बनाते हैं तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? व्हाट इज द फिनोमिनन कॉल्ड व्हेन वी मेक ए सर्कल विद हैंड एंड रिस्ट? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहते हैं सर्कमडक्शन मोमेंट। क्या कहते हैं? सर्कमडक्शन मोमेंट, यानी सभी रोटेटरी एंड एंगुलर मोमेंट जो होता है एक साथ होता है, मिश्रण होता है, उसी को सर्कमडक्शन मोमेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोमैकेनिक्स जिसमें बल की कार्रवाई का विश्लेषण शामिल है वह वैध रूप से शाखा है। तो बायोमैकेनिक्स में अक्सर बल कैसे उत्पन्न होता है, बल यानी कि बल के बारे में ज़्यादातर बातें होती हैं। तो दोस्तों ये किसकी शाखा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो ये शाखा है आपकी फिजिक्स। मैकेनिक्स शब्द आते ही आप समझ लीजिए फिजिक्स में अध्ययन किया जाता है, तो ये भौतिकी की शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिकी की शाखा है, यानी कि मैकेनिक्स की। याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछेगा बायोमैकेनिक्स किसका शाखा है तो किन्सियोलॉजी का नहीं होगा दोस्तों, मैकेनिक्स यानी कि भौतिकी का शाखा है। बायोमैकेनिक्स जिसमें बल की कार्रवाई का विश्लेषण शामिल है वैध रूप से किसका शाखा है? भौतिकी का। यांत्रिकी के तरीकों का उपयोग करते हुए जीवों, कोशिकाओं और कोशिका जीवों के लिए किसी भी स्तर पर जैविक प्रणालियों के यांत्रिक पहलुओं की संरचना, कार्य और गति का अध्ययन बायोमैकेनिक्स में किया जाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु जीव द्वारा जो वस्तुएं यानी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, किस कोण पे कितना फ्लेक्शन मोमेंट हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ये सब बायोमैकेनिक्स में अध्ययन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, शॉर्ट पुट में उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग टॉप स्पीड इन शॉर्ट पुट इज। तो शॉर्ट पुट में उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, यानी कि हम क्या करते हैं, एक 45 अंश पर कोण बनाते हुए फेंकते हैं, पूरी अपने पूरा फिजिकल फोर्स लगाते हैं, यानी कि पूरी कुल शारीरिक बल यहाँ पे लगा देते हैं। क्या करते हैं हम? कुल शारीरिक बल यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि टोटल फिजिकल फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट पुट में उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कुल शारीरिक बल है। बढ़ा हुआ रिलीज वेग है, रिलीज का वेग निसंदेह एक फेंक की दूरी निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भार के कौन से दो प्रमुख घटक हैं? विच आर द फॉलोइंग आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वेट, यानी कि जो प्रशिक्षण भार होता है उसके दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम यानी तीव्रता और मात्रा, यानी कि वॉल्यूम मतलब कार्य को कितना समय तक किया गया, इंटेंसिटी मतलब कितनी स्पीड से किया गया। तो ये दो मैटर आपको प्रशिक्षण भार में मैटर करती है, इसके दो घटक हैं मेन, तो आपका तीव्रता और मात्रा राइट हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी है, या यहाँ पे वॉल्यूम राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा जाता है। तो आपका न्यूटन के गति के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया गया है, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के पार्ट में जाइए प्लेलिस्ट में। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन ने तीन गति के नियम दिए हैं अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, वो भी 1687 में इन्होंने प्रकाशित किया, ये भी बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो न्यूटन ने तीन गति के नियम दिए हैं, गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। एंड दूसरे प्रकार का इन्होंने गति का दूसरा नियम दिया, जिसे हम संवेग का नियम या त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन या एक्सीलरेशन, या लॉ ऑफ मोमेंटम या बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जानते हैं। एंड तीसरे प्रकार का इन्होंने गति का नियम दिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या काउंटर फोर्स लॉ या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन कहते हैं।
तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा। तीसरी प्रकार का लीवर क्या है, गति का नियम क्या है इनका, पारस्परिक कार्यवाही यानी रेसिप्रोकल एक्शन, याद रखिएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, कंट्रोल फोर्स लॉ या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन कहते हैं। यानी कि तृतीय प्रकार का गति इन्होंने दिया है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है। तो जैसे कि तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, वॉकिंग करना, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बॉल को दीवार पर फेंकना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना, ये सभी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताया गया है, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और इसी तरह डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए दोनों टाइम। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।